तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान की फिल्म देवरा, जिसको फिलहाल दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या ही शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन ताबड़तोड़ कलेक्शन करके 172 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। उसके बाद फिल्म का जो दूसरे दिन का ऑफिशियल कलेक्शन आया तो बिल्कुल अकल हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देवरा फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में ऑफिशियली जो इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कमाई की है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, फिल्म का आज सिनेमाघरों में तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन पर भी नजर डालेंगे कि आज फिल्म का तीसरा दिन कैसा है, क्योंकि आज फिल्म का पहला संडे है। तो यहां पे हिंदी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं की बात करेंगे। फिल्म का आज तीसरा दिन कैसा जाने वाला है और फिल्म की जो तीन दिनों की टोटल कमाई है इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में वो कितनी हो जाएगी, वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन कर जाएगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म देवरा की, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको बनने में सालों लगे और सालों से इस फिल्म का फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कोराताला शिवा ने और फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान, जानवी कपूर, श्रुति मराठे, प्रकाश राज और श्रीकांत जैसे बड़े सितारे अहम किरदारों में नजर आ रहे। फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए का है। लेकिन यहां पे आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिल्म का आज पहला संडे है, तो पहले संडे फिल्म के लिए किस तरह का क्रेज है, किस तरह की हाइप है, कितने शोज हाउसफुल है, कितने खाली है, चलिए बात करते हैं। तो हैदराबाद की अगर बात करें, तो तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, तो हैदराबाद में आज फिल्म की जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की शुरुआत हुई है वो 65 से शुरुआत हुई है। तो यानी कि आप समझिए ज्यादातर शोज आपको हाउसफुल ही मिलने वाले हैं। फिल्म के पास अभी भी यहाँ पे 861 शोज है। बेंगलुरु के अंदर 35% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 682 शोज है। इसके अलावा अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहां पे भी 57% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 104 शोज है। यानी कि मैं कहूंगा जिस तरह से ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट में आपको देख रहा हूं, तो कल जो सैटरडे था सैटरडे से ज्यादा आज बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि फर्स्ट डे पर तो कमाल ही था, 95-90%, लेकिन कल सैटरडे में फिल्म के ऑक्यूपेंसी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिली थी, लेकिन आज संडे को काफी बेहतर दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पे भी 57% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 161 शोज है। वरंगल में 43% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 50 शोज है। गुंटूर में 74% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 45 शोज है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में 63% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 218 शोज है। निजामाबाद में 10% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 12 शोज है। दिल्ली एनसीआर में 12% की ऑक्यूपेंसी है। फिल्म के पास 107 शोज है। मुंबई, करीमनगर और काकीनाड़ा इन सभी जगहों पर भी फिल्म की ऑक्यूपेंसी आज ठीक ठाक की है। तो आज फिल्म का तीसरा दिन भी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो सबसे पहले दो दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं कि फिल्म ने दो दिनों में ऑफिशियल जो वर्ल्ड वाइड कमाई की है वो कितनी की है। तो यहां पे अगर हम पहले दिन की बात करें तो फिल्म का फ्राइडे यानी कि ओपनिंग डे रहा था इंडिया के अंदर 82 करोड़ 15 लाख रुपए का। फिल्म ने हिंदी भाषा में लगभग अपने पहले दिन 7 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। तो लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का जो पहले दिन का ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो था 172 करोड़ रुपए, 172 करोड़। इसके अलावा मैं बात करूंगा दूसरे दिन की, तो जो फिल्म का दूसरा दिन रहा वो रहा 41 करोड़ 50 लाख रुपए का। जहां दोस्तों तेलुगु भाषा में फिल्म ने कमाए हैं 30 करोड़ 40 लाख रुपए, हिंदी भाषा में फिल्म ने अपने दूसरे दिन ऑफिशियली 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। तमिल भाषा में फिल्म ने 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। कन्नाड़ा लैंग्वेज में फिल्म ने 35 लाख रुपए कमाए हैं और मलयालम भाषा में फिल्म ने 25 लाख रुपए की कमाई की है। तो कुल मिला के फिल्म का जो दूसरा दिन रहा इंडिया के अंदर वो रहा 41 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसके अलावा फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में इंडिया के अंदर जो टोटल नेट कमाई कर ली है, दो दिनों की कमाई की बात कर रहा हूं मैं, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि दो दिनों का मिला के फिल्म ने जो इंडिया के अंदर टोटल कमाई कर ली है वो 124 करोड़ 15 लाख रुपए की कर ली है। तेलुगु भाषा में फिल्म ने 102 करोड़ 90 लाख रुपए कमा लिए हैं। हिंदी भाषा में फिल्म ने दो दिनों के अंदर 17 करोड़ 45 लाख रुपए कमा लिए हैं। तमिल भाषा में फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कन्नाडा लैंग्वेज में फिल्म ने 70 लाख रुपए की कमाई कर ली है और मलयालम भाषा में फिल्म ने दो दिनों में 60 लाख रुपए की कमाई कर ली है।
तो फिल्म अपने पहले दो दिनों में टोटल इंडिया के अंदर 124 करोड़ 15 लाख रुपए नेट कर चुकी है। वहीं फिल्म का जो इंडिया के अंदर ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो 143 हुआ है, या दोस्तों 143 करोड़ रुपए। और ओवरसीज से फिल्म ने देखो, पहले दिन का कलेक्शन तो ओवरसीज से बहुत ही तगड़ा आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरसीज में अपने दूसरे दिन ये फिल्म बहुत ज्यादा पिटी है। तो फिल्म ने ओवरसीज से 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसमें 74 करोड़ तो पहले ही दिन का है, तो यानी कि 26 करोड़ रुपए की ओवरसीज से दूसरे दिन की कमाई रही। तो कुल मिला के ऑफिशियली फिल्म का जो दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है वो 243 हुआ है, जहां दोस्तों यहां पे 243 करोड़ रुपए फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में पूरे वर्ल्ड में कर लिए हैं। अब दोस्तों आज फिल्म का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन की पूरी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने आपको दी थी कि कौन से शहर में आज फिल्म का क्या हाल चल रहा है। तो कल के मुकाबले आज मुझे बेहतर लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आज फिल्म कम से कम 48 से 50 करोड़ रुपए करेगी। जहां दोस्तों 48 से 50 करोड़ रुपए आज ये फिल्म पूरे इंडिया से सभी भाषाओं में करेगी। तो फिल्म की जो तीन दिनों की टोटल कमाई है वो लगभग 175 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 320 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है, और हो सकता है कि 320 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी ये फिल्म तीन दिनों में पार कर जाए। हालांकि ऑफिशियली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट हो चुकी है, क्योंकि अपना बजट फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में ही रिकवर कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी थी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।